हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपदा। आज हम लोग बिना मावा के गाजर हलवा बनाना सीखने वाले हैं। ये बहुत ही आसान है और उसी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर कद्दूकस करके लिया हुआ है। आपको अगर इसकी मात्रा कम करनी हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया हुआ है। पहले हमें इसे अच्छे से मेल्ट करके लेना है। घी मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमें अभी इसमें गाजर ऐड करना है। गाजर को अच्छे से सेक लेना है हमें घी में। करीबन अच्छे से 10 मिनट के लिए हमें इसे सेकना है। जब गाजर अच्छे से सेक जाता है तो उसका कलर ऐसे बदल जाता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट मिक्स करके ले लेना है। अभी इसमें मैं 2 बाउल चीनी मिक्स कर रही हूँ। चीनी आपको कम ज़्यादा जैसे भी ऐड करनी है आप कर सकते हैं। चीनी ऐड करना बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से है। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो वो ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही सेकना है। चीनी पूरी पिघलनी चाहिए। यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास। ये फुल फैट मिल्क है। अभी बस हमें हलवा उतना ही पकाना है जितना हमें हलवा गाढ़ा चाहिए। आप अपने हिसाब से हलवा गाढ़ा रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गाजर हलवा बनके तैयार है। ये गाजर हलवा बनाने का वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।